आपके जरिए हमको ये मौका भी मिला है कि हम पंडित जी की जो पर्सनालिटी थी, जो शख्सियत थी, उसके कुछ हिस्सों को, कुछ पहलुओं को जान सकें। बहुत कलाकार के तौर पर उनके बारे में सुना है, गुरु के तौर पर आप हमें बताइए कि आपके लिए वो कितने कितने महान कह लें, या कह लें कि कितने कितना अपनत्व था उनका आपके प्रति, कैसे याद करते हैं, कौन सी बातें हैं जो ताउम्र याद रहेंगी पंडित जी की? शिवेंद्र जी, पंडित रविशंकर जी जो कलाकार बोलिए, इंसान बोलिए, इनके बारे में हम जितना भी बात करें कम है। और आप एक प्रोग्राम बनाइएगा, हम उसमें सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। उनका इंसानियत, उनका जो महानता है गुरु के हिसाब से, कलाकार के हिसाब से, वो अतुलनीय है। आपको मिलेगा नहीं, मिसाल नहीं मिलेगा, आप कितना भी कोशिश करें। आज के ज़माने में जस्ट दो तीन मैं आपको फैक्ट्स बोलता हूँ। देखिए, गुरु सबके प्रिय होते हैं, माँ बाप सबके प्रिय होते हैं, सब लोग अपने गुरु का, अपने माँ बाप का सब लोग तारीफ करते हैं, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के, बिना गुरु के हम लोग कुछ नहीं हैं। लेकिन फैक्ट्स जो है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। पंडित रविशंकर जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमारे संगीत का जो एक दर्शन है, लोग उनको ये बोलते हैं कि वो विश्व में हमारे संगीत को, उन्होंने उससे पहले हमारे देश में उन्होंने हमारे संगीत का दर्शन लोगों को कराया। घर घर जाके छोटे छोटे म्यूजिक सर्कल, छोटे छोटे बैठक, उन्होंने कितने रात रात भर उन्होंने बजाया है, फ्री में बजाया है, बजा के फंड रेजिंग करके कोई इंस्टीट्यूशन को दे दिया, या कोई अपने शागिर्द को उन्होंने हेल्प कर दिया, या कोई म्यूजिशियन जिनके घर में प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने इतना इतना काम किया है, उसका मिसाल आपको नहीं मिलेगा। ये एक कलाकार के हिसाब से, इंसान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी अपने गुरु के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो चीज़ आप देखेंगे कि उन्होंने जिस शुद्धता से हमारे संगीत को उन्होंने अप्रोच किया, वो सीखने योग्य है। उन्होंने हरदम एक राग को एक देवता के रूप में उन्होंने देखा कि उसके सामने आप आते हैं, आप नतमस्तक होते हैं और बोलते हैं कि आप हमको, हमारे ऊपर कृपा करिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर आप कृपा करेंगे तो फिर आज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बजाने का, वो, और वो मीन करते थे, ऐसा नहीं कि वो दिल से कुछ सोचना और बोलना कुछ। आप उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कॉन्सर्ट में, आप उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जब वो सिखाते थे, आप उनका, उससे पूरा साफ झलकता था। वो एक पुजारी के रूप में हमको, मैंने उनको हरदम देखा। उसके अलावा शागिर्दों को घर में रखना, उनका पूरा भरण पोषण करना, उनका देखभाल करना, और उन्होंने कोई भी शागिर्द से आज तक एक पैसा उन्होंने फीस नहीं लिया, और उनका जो पूरा जो देखभाल है वो गुरुजी करते थे, उनको सिखाना, उनको तालीम देना। और ऐसा नहीं कि शागिर्द बना लिया, गंडा बांध दिया, उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं। उन्होंने, आप शुरू के समय से आप देखेंगे, जब उनके 20s में उन्होंने, जब वो बॉम्बे में आए, उनके स्ट्रगलिंग डेज में भी उनके साथ शागिर्द रहते थे। उसके बाद जितने भी शागिर्द थे उनको तालीम बोलिए, उनको लेके स्टेज में बैठना बोलिए, उनके करियर में हेल्प करना बोलिए, उन्होंने कोई कसर छोड़ा नहीं था। और हम लोग लकी थे कि हम लोग लास्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स थे जो उनके साथ रहते थे, हम उनके साथ 7 साल उनके घर में रहे, और ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब हम संगीत लेके नहीं बैठते थे, तालीम नहीं होता था हमारा, रोज बैठना होता था, रोज सीखना होता था, और इतना ज़्यादा सीखने का होता था, हम लोग को काफ़ी सोचने में वक्त लगता था कि इसको हम प्रोसेस कैसे करें। तो हमारे घर में पिताजी ने हमको शुरू से नोटेशन सिखाया था, मैं नोटेशन कर लेता था कि ठीक है चलो अभी सीख लेते हैं, बाद में फिर इस पर काम करेंगे। तो फिर बनारस में उन्होंने वो गुरुकुल बनाया हेमांगना अपने माँ के नाम से, वहाँ जाके 15-15, 20-20 दिन सब शागिर्द आते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे। कोई भी आप नाम करिए, कार्तिक कुमार जी बोलिए तो दीपक चौधरी बोलिए, तो विश्वमोहन भट्ट बोलिए, तो विजय राघव राव बोलिए, आप नाम करिए, सब आके वहाँ रहते थे और सबका देखभाल वो करते थे। इनफैक्ट विदेश से भी जो आते थे स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे रहते थे, खाते थे, पीते थे, और वहाँ पे तालीम जो है सुबह शुरू होता था, दिल्ली में जैसे हमारा होता था, सुबह का एक सेशन होता था, कभी कभी दोपहर में एक सेशन होता था, शाम का एक सेशन होता था, कभी कभी देर रात का एक सेशन होता था। 2 सेशन तो मस्त था, सुबह का और शाम का।
उसके अलावा कभी कभी दोपहर का जैसे हमने पटदीप है, और वो रागों का इतना, वो जो राग जिस टाइम का है उसी टाइम में वो तालीम देते थे। पटदीप हमने दोपहर में ही सीखा, भैरव हमने अर्ली मॉर्निंग ही सीखा, राग दरबारी हमने लेट नाइट सीखा, मालकौंस हमने। तो एक ऐसा गुरु मिलना, एक ऐसा इंसान मिलना, और जिसने सुपर स्टारडम देखा है, उनके तरह नाम बोलिए, उनके तरह काम बोलिए, आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। अब आज से 500 साल बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो नाम आपको आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद भी वो जो अपने कंट्री के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, अपने संगीत के प्रति जो उनका जो नज़रिया था, वो वही था जब वो बाबा अलाउद्दीन खां साहब के पास सीखने गए थे। वो कोई उसमें कोई बदलाव नहीं था, और हमने उसको देख के हमको बहुत बहुत अचरज लगता था कि इतने महान कलाकार, इतना सोल्ड आउट कॉन्सर्ट, आप कोई भी दुनिया का हॉल बोलिए, वो उनके नाम से एक दो दिन में सब टिकट बिक जाता था। लेकिन वो लगे रहते थे रियाज में, नहीं मुझे अच्छा बजाना है, हमको और अच्छा करना है, हमको इस प्रोग्राम में ये बजाना है, अच्छा ये प्रोग्राम से पहले मैंने इस शहर में क्या राग बजाया था, हम वो राग रिपीट नहीं करेंगे, क्या ताल बजाया था, अलग अलग रागों का, अलग अलग तालों का। आज जो इतना राग बज रहा है, ये जो आलाप जोड़ झाला इतना विस्तृत हो रहा है, आज जो इतने सारे ताल लोग बजा रहे हैं, किसने शुरू किया है? आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको पुराने वक्त का जितना भी बजाना मिलेगा, एक छोटा सा आलाप, उसमें फिर मसीद खानी गत, रजा खानी गत, थोड़ा तान तोड़े और थोड़ा एक झाला, और वहाँ पे बजाने का जो दायरा था वही था। ये जो घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे का आलाप जोड़ झाला, उसके अलग अलग परतें, उसके अलग अलग लेयर्स, उसके बाद झप ताल में गत तो धमार में गत तो शिखर ताल में गत तो रुद्र ताल में गत तो आड़ाचार ताल में, ये बाबा अलाउद्दीन खां साहब, पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खां साहब, ये इनका देन है। आज सब लोग उनसे या तो डायरेक्टली सीख के या सुन के, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी घराने के हैं हिंदुस्तान में, मुझे इसमें बोलने में कोई भी वो नहीं है कि सब लोग इस बाज को फॉलो कर रहे हैं, सीख के या तो सुन के। तो इस इंटरव्यू में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आपसे जुड़ेंगे, तो हम बात करेंगे गौरव दा के कोलैबोरेशन के पार्ट पर, यानी उनके म्यूजिक का जो कोलैबोरेशन का पार्ट है, जो वो विश्व के दूसरे नामी गिरामी कलाकारों के साथ करते हैं, उस पर होगी बातचीत। फिर से जुड़िएगा हमारे साथ वीकेंड स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।